दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ओपन शर्ट कटिंग करना बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका नाप लिख देता हूँ। 27 इंची इसकी लंबाई है, 32 इंची इसका सीना है, 29 इंची पेट है इसका और 17 इंची तीरा है इसका और आस्तीन की लंबाई है वो 23 इंची है। इसकी कॉलर है वो 13.5 इंची की है और कप हैं वो 8.5 इंची के हैं। इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो कटिंग करने से पहले किनार साइड अपनी तरफ रख लेना होगा और कपड़े को उल्टा करके बिछा लेना होगा। उसके बाद में एल स्केल रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से और एक स्टेप रेखा खींच देंगे इस तरीके से और एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों इस किनार को हम हटाएंगे। उसके बाद में शर्ट की लंबाई है वो 27 इंची है और ये ओपन शर्ट है, तो इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और हमारी लंबाई 27 इंची है तो एक इंची प्लस का लेना है, 28 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद में इन निशान को यहाँ से एल स्केल से इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में फैशन पट्टी का निशान लगाएंगे, तो 2 इंची का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, एक निशान हम यहाँ लगाएंगे और एक निशान हम नीचे लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में इन निशानों को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसका आर्म होल रखेंगे, तो इसका आर्म होल हम सीने के हिसाब से रखेंगे। तो इसका सीना है वो 32 इंची है, तो चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंची पर निशान लगा देंगे। यदि आपको फिटिंग चाहिए तो आप आधा इंची कम कर लेना, लेकिन ये स्कूल की बच्चे की है, ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए, तो हम चौथा हिस्सा रख लेंगे। 8 इंची पर हम यहाँ से इसका आर्म होल रख देंगे इस तरीके से और उसके बाद में यहाँ से इसको एल स्केल से सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी, जो कमर के अंदर जो गड्ढा सा होता है उसको पेट भी बोलते हैं, पेट का निशान वो कैसे लगाएंगे। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे, ये 20 इंची आ रहा है, आधा कर लेंगे, 10 इंची आएगा। उसके बाद में हम 1.5 इंची ऊपर ये निशान लगा देंगे, ये हमारा जो गड्ढा होता है पेट का निशान वो आएगा। जो मैंने नाप ली थी वो 29 इंची थी, तो आप चाहे तो इसको यहाँ से पहले सीधा भी कर सकते हो, तो मैं सीधा ही कर लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी, जो पेट था वो 29 इंची था, तो 29 का हम 1/4 करेंगे तो 7.25 इंची आएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर 2 इंची की लूजिंग दे देंगे और इसका सीना है वो 32 इंची है, चौथा हिस्सा करेंगे, 8 इंची आएगा। फिटिंग चाहिए तो आपको पौने 2 इंची का निशान लगाना है, यदि आपको मीडियम चाहिए तो यानी कि फिटिंग चाहिए तो आपको पौने 2 इंची का निशान लगाना है और यदि आपको नॉर्मल चाहिए तो 2 इंची का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ से 2 इंची का निशान लगा लेता हूँ इस तरीके से। और इसकी नीचे जो इसकी हिप हैं वो 33 इंची इसकी हिप हैं, तो लगभग हम 2 इंची ऊपर से 33 का 1/4 करेंगे तो 7.25 इंची आएगा। उसके बाद में हम 2 इंची की लूजिंग दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद में इन तीनों मार्कों को मिला लेना होगा, ये मार्क का और जो ये हमने यहाँ लगाया है इसका। इसके बाद में दोस्तों ये तीनों मार्कों को हम सेफ एंड टी से मिलाएंगे, ये हमारे तीनों मार्के हैं वो मिलने चाहिए, तो इसको आगे पीछे करके देख लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे तीनों मार्के हैं वो आ जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में चाइना शर्ट के लिए
ये जो नीचे का दामन है इसको आप नाप भी देख सकते हैं और इसका आधा कर लेंगे। इस तरीके से आधा करने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से गोड़ाई लगा देंगे ओपन शर्ट के लिए इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ शोल्डर की यानी कि तीरे की, तो इसका तीरा है वो 17 इंची है, तो इसको डाउन कितना करेंगे, तो ये बच्चे की शर्ट है और इसका सीना 32 इंची है, तो हम 1.5 इंच इसको नीचे डाउन कर देंगे और इसका शोल्डर है वो 17 है, 1 इंची प्लस कर लेंगे 18 आएगा, 18 का आधा रख देंगे यहाँ पर 9 इंची इस तरीके से। ये हमने 9 पर निशान लगा दिया है इस तरीके से। उसके बाद में इसकी कॉलर है वो 13.5 इंची की है, तो इसमें हम 5वां हिस्सा रखेंगे, तो यहाँ से 2.25 इंची का निशान लगा देंगे और 2.25 इंची का यहाँ पर निशान लगा के और यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। ज़्यादा गोलाई नहीं लगानी है इस बात का ध्यान रखना है, और यहाँ से हम इसको शोल्डर को डाउन कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने शोल्डर को डाउन कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें बच्चे की शर्ट में 1/2 इंची और हेवी साइज में 1 इंची या 1/4 इंची के अंदर की साइड में ये निशान लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आर्म होल में झोल आता है ना, तो इसी कारण से ये शर्ट में झोल आता है, तो आप इसके अंदर इस तरीके से निशान लगा के और गोलाई लगाएंगे तो आर्म होल में झोल नहीं आएगा। ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको बैक कटिंग करना, तीरा कटिंग करना और आस्तीन कटिंग करना बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर चटका लगा लेना है, एक नीचे की साइड में लगा लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों हम बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए वन साइड अपनी तरफ रख लेना होगा, इस तरीके से वन साइड रख लेंगे, लेकिन रखेंगे कितना, जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने कटिंग किया था उससे 1/2 इंची कम काटना है। देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने ये 10.25 इंची आ रहा है तो इसको हम 1/2 इंची कम काटेंगे बैक को, तो ये 10.25 ये आधा कर लेते हैं, ये 10.25 और ये आधा, और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे से नाखून लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में एल स्केल लेंगे और एल स्केल को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक सीधा निशान लगा देंगे, और इसका तीरा है वो 17 इंची है, 1 इंची प्लस करेंगे 18, 18 का आधा यहाँ पर रख देंगे 9 इंची इस तरीके से। उसके बाद में जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है वो उसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। यहाँ से फ्रंट पार्ट को 1/2 इंची ज़्यादा रखना है, बैक को 1/2 इंची कम रखना है, नीचे से भी हमें देख लेना होगा यहाँ से इस तरीके से, फिर अच्छे से बिछा लेना है और जो हमने ये निशान लगाया है उसके बराबर में इसको रखना है।
और उसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, और ये हमारी यहाँ से गोलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों बैक पार्ट में सिर्फ यही करना होता है, इसकी कर लेते हैं कटिंग। इसके बाद में आपको आस्तीन कटिंग करना और तीरा कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारियाँ देता रहता हूँ, लेडीज एंड जेंट्स दोनों प्रकार की सिलाई संबंधी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर एक चटका लगा लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ कि आस्तीन कटिंग कैसे करेंगे। तो ये दोस्तों साइड में कपड़ा है, इसको तो यहाँ से कटिंग कर लेना है। जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम खर्चा कर लेंगे। कपड़े को इस तरीके से हम डबल कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में इसको इस तरीके से क्रॉस में बिछा लेंगे, इस तरीके से तिरछा बिछा लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम 3 इंची का निशान लगाएंगे, और हमने इसका आर्म होल रखा था वो 8 इंची रखा था, तो 8 इंची पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। आप चाहे तो इसको यहाँ से सीधा कर लेना इस तरीके से, और यहाँ पर ये 3 इंची का निशान, और ये हमने 8 इंची जितना आर्म होल काटा था वो रख लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। आस्तीन की लंबाई है वो है 23 इंची है आस्तीन की लंबाई, तो इसमें हम 2.25 इंची के कफ लगाएंगे, तो 2.25 इंची बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। और आस्तीन की लंबाई है वो 23 इंची है, तो 0.5 इंची सिलाई हमारी यहाँ पर जाएगी और 0.5 इंची यहाँ पर जाएगी, तो 1 इंची हमें प्लस कर लेना है। तो 24 इंची पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, 2.25 इंची बाहर निकाल के 1 इंची प्लस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसके कफ हैं वो हैं 8.5 इंची के कफ हैं, तो 8.5 का आधा करेंगे तो 4.25 इंची आएगा। उसके बाद में 1 इंची हम प्लस कर लेंगे। 1 इंची प्लस किस लिए करेंगे, 0.5 इंची की सिलाई और 0.5 इंची की जो डॉट डालते हैं, प्लेट डालते हैं, उसके लिए। उसके बाद में हम एल स्केल को लेंगे और यहाँ से लगभग 2 इंची ऊपर रखेंगे इसको, यहाँ से ये 2 इंची ऊपर रख के और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद में सेफ अंटी लेंगे यहाँ से और यहाँ से, सेफ अंटी को कम सेफ लगाएंगे इस तरीके से। यदि आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि ये हमको ये ज़्यादा नहीं चाहिए, ये स्कूल की है तो हम कम रखेंगे इस तरीके से। दोस्तों यदि हम इस तरीके से नहीं रखेंगे तो हमारी आस्तीन में है जो बाजू में है वो झोल आएगा दोस्तों, तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा आता है, इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने एक गोलाई लगा दी है और दूसरी गोलाई हम लगभग 0.25 इंची का गड़ाव लेके इस तरीके से ये गोलाई लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी आस्तीन की मार्किंग है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको तीरा कटिंग करना बताऊँगा कि तीरा कटिंग कैसे करते हैं।
आस्तीन में लगभग 1.25 इंची का गडाव देना होता है, क्योंकि जो आगे की साइड में आती है ना दोस्तों, उसमें हमें गडाव लगाना होता है। तो इस तरीके से हम इसमें लगभग 1.25 इंची का ये फ्रंट पार्ट में गडाव लगा देते हैं इस तरीके से। उसके बाद में हम काटेंगे इसकी चौक पट्टी। तो चौक पट्टी के लिए दोस्तों बेक साइड में हमें इसका 3 हिस्सा कर लेना होगा इस तरीके से। ये हमने 3 हिस्सा कर लिया है इसका, आप नाप के भी देख सकते हैं। ये आ रहा है 3.25 इंची आ रहा है, तो यहाँ से भी हमारा ये 3.25 आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ये आ रहा है लगभग 3.5 इंची, और ये भी 3.5 इंची, और यहाँ पर नाखून लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने नाखून लगा लिया है। उसके बाद में जहाँ पर हमने बेक साइड में नाखून लगाया है, वहाँ पर हम 5.5 इंची का, ये छोटी है तो हम 5 इंची का निशान लगा लेंगे, और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। जो कटिंग करनी है दोस्तों, वो हमें बेक साइड में करनी है, जो हमने गड़ाव दिया है ये फ्रंट साइड है, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूँ कि तीरा कटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों तीरा है वो हमेशा डबल कपड़े में काटना चाहिए, क्योंकि शर्ट में मजबूती बनी रहती है। और दोस्तों जो हम डबल में काटेंगे, तो इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद में आप चाहे तो किनार को हटा भी सकते हैं, या थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं इस तरीके से, और फिर इसको इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसका जो तीरा था वो 17 इंची था, तो 1 इंची हम प्लस कर लेंगे, तो 18 18 का आधा यहाँ पर 9 इंची पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। एक निशान हम ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से इस तरीके से हम शेप लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने शेप लगा दी है। शोल्डर इसका डाउन किया था हमने 1.5 इंची किया था, तो पीछे भी 1.5 बराबर में रखा था, तो 3 इंची। उसके बाद में लगभग 1.5 इंची सिलाई मार्जिन रखना है, और 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखना है, तो टोटल हमें 5 इंची रखना है इस तरीके से। और 5 इंची पर यहाँ पर निशान लगा देंगे, और 1.5 इंची नीचे ये निशान लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में इन निशानों को हम मिला लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ये मिला लेंगे। कॉलर है वो 13.5 इंची की है, तो 5वां हिस्सा रख देंगे 2.25 इंची, और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे, और यहाँ से इसकी गोड़ाई लगा देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कर लेनी है कटिंग, तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ से भी इसको अलग कर लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।